बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बंदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है यह? बंदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है, हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात को ला इल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत, यहां हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, आपके इस तरह आने से जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूं कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगर कितनी ही भूख लगी हो वह मुर्दा तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नायलोन के चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने मायके अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफे को देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया। एक महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं
जो मैंने अदा ना किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त, फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग ही उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुंह तवज्जे होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी भुग या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए हुए यह सब कुछ सुन रहा था उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ, अल्लाह की कसम इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है, क्या खूब बेहतर है अपने अहलो आयाल के राज को छुपाने की, लोगों को पता ना चले अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दे। दोस्तों तो आप हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।